खेचल देन दा, मगर जदों हालात इह जे बन जाण ते इस मौके ते भी जे असलीयत सच थोड़े अगे ना रखिए ते फिर किथे ना किथे पंजाब दे लोग ओपोजिशन दे मैंबरां नूं भी सवाल उठाउणा शुरू कर देंदे कि तुसीं इह गल सामने रखदे क्यों नहीं। इसलिए अज जिहड़ा मुद्दा लैके आए हैं पंजाब दी किसानी नाल, पंजाब दी जिहड़ी बैकबोन मन्नी जांदी इकोनमी, 60-65% लोग किसानी ते पंजाब ते निर्भर है, उस किसान भरा नाल अन्नदाता नाल किस तरीके दे नाल फ्रॉड हो रहा है। और बड़े अफसोस की गल है, देखो एक पासे कोरोना की महामारी और उस महामारी लॉकडाउन दे विच पंजाब एक कल्ला ही सूबा है जिस लॉकडाउन का लोग घर के अंदर बंद ते बाहर कांग्रेस के विधायक ते कांग्रेस के वजीर ने एक तो बाद एक वड्डा स्कैम किया जिहड़ा थोड़े सामने उजागर होए। मेरे तो पहला भी मैनू पता लग्या, चंदू बाजरा साहब ने भी बड़े दिन की एक गल्ला अखबारों भी आ रही सी, चीमा साहब ने भी बड़े विस्तार नाल लिकर स्कैम का 5600 करोड़ का जिहड़ा स्कैम का जिक्र किया सी। उहदे च ठीक है सरकार ने जे एक आई वॉश किया, कार्रवाई कोई नहीं की, इंस्पैक्टर नूं बदल देना जिहड़ी सब तो नरम कार्रवाई होंदी है मैं उहनूं मन्नदा हुंदा, जिवें वो SHO बलजिंदर सिंह बदलिया सी ना खन्ने वाला, मगर हाई कोर्ट ने हुण ऑर्डर दिते कि जो उन्होंने वीडियो वेखी हाई कोर्ट के जज साहब की ऑब्जरवेशन आ गई कि मैनू शर्म नाल मेरा सिर झुक गया यह वीडियो वेख के, मगर सरकार का सिर हाले तक शर्म नाल नहीं झुक रहा, पता नहीं की गल। और वड्डी गल लिकर स्कैम 5600 करोड़, रेता स्कैम कोई 2500-3000 करोड़ का, उस तो बाद आ जिहड़ा बलबीर सिद्धू जी दे महकमे दा वो PPE किट स्कैम जिहड़ा अमृतसर साहब ते बड़ा रौला पिया, इस तरह उस तो पहला वो टैबलेट्स दा स्कैम होया सी। कहन दा भाव कि इस लॉकडाउन दे समय च जे किसे नूं इस गल दा रज के फायदा उठाया ते वो कांग्रेस पार्टी ने उठाया। और मैनू अफसोस नाल मैं इस केस नूं बड़े ध्यान नाल वेख रहा सीगा ते मैनू सीगा किसानी नाल संबंधित है ते जाखड़ साहब किसानी दे मुद्दे ते बड़ी पैशनेटली गल करदे सन, ते मैं हमेशा सोचदा सी कि ये दिलों किसानी दे नाल हमदर्दी रखदे। चलो वो गल दा पर्दाफाश तां हो ही गया कि जदों दी इहनां दी सरकार आई है उन्होंने हमदर्दी लफ्जा तक ही सीमित रखती, करन कराउण ते कोई हमदर्दी विखाई नहीं। और वड्डी गल मैं जिहड़ी करन लग्गा कि अज तो 11-5 नूं एक परचा दर्ज हुंदा है, और एक साडा किसान वीर है हजारा क्विंटल बीज झोने दा उहदा एक बड़ा वड्डा स्कैम पंजाब च चल रहा है, और जिहड़े चला रहे हैं लोग उहनां दी सिद्धियां तारां पंजाब दे कैबिनेट मिनिस्टरां नाल जुड़ियां ने। और मैं वेख रहा सी कि इह जिहड़ी FIR किसान भरावां ने जाके कराई, और ये FIR की मैं डिटेल थोनू दे रहा, ये हैगी जी 11-5 नूं रजिस्टर होई है FIR 2020। FIR लुधियाने च रजिस्टर होई है पुलिस थाना डिविजन 5 च। तुसीं हैरान होंगे एक ब्राड सीड करके यूनिवर्सिटी तो बाहर पंजाब दे सारे किसान जदों भी एग्रीकल्चर च, क्योंकि हमेशा पंजाब का जोर ग्रीन रेवोल्यूशन तो बाद इस गल ते ही रहा है कि किवें साडा जिहड़ा पंजाब का किसान है अगाह वधू किसान है किवें झाड़ वधे किवें इनकम वधे, और उस गल नूं लैके हमेशा बीज की नवी तो नवी डिवेलपमेंट यूनिवर्सिटी च चलदियां रहिंदियां ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च, ते किसान जिहड़े मेहनत कश किसान ने दिन रात एक खून पसीने नाल मेहनत करन वाले ने ओ ध्यान रखदे इस गल दा कि जी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च की हो रहा है ते की नहीं हो रहा। और ब्राड सीड्स एक दुकान है जिहड़ी बिल्कुल ही
गेट के नाल जो किसी नूं बी अंदरों ना मिले यूनिवर्सिटी ते उत्थे जांदे उस दुकान च सेल हो रहा सी 128 पीआर ते पीआर 129 झोने का बी जिहड़ा तुसी हैरान हो जाओगे कि यूनिवर्सिटी ने हले उसनू अपरूव ही नहीं किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की उहदे ते कोई सर्टिफिकेशन नहीं। जिहड़ा बी अपरूवड ना होवे और फिर भी हजारा क्विंटल वो बी बिक गया होवे, मतलब हजारा भी मैं शायद घट कह रहा, उहदा तां अंदाजा ही है क्योंकि जब तक इनक्वायरी नहीं होगी उहदा अंदाजा सही तरीके नहीं ला नहीं जा सकता। मगर तुसी मन के चलो कि पंजाब भर च किन्नियां दुकानां ने और हर दुकान ते लगभग जेदी जांच चज नाल होई ते बी दी विक्री होई आ, जेड़ा बी सर्टिफाइड ही नहीं। और मैं महसूस करता सी कि चलो ब्राड सीड्स आलिया ने बी बेचिया जेड़ा नहीं बेच सकते सन, किसानी नाल धोखा होया, ते मैनू सीगा सरकार परचा दर्ज करके जेड़े असल वड्डे मगरमच्छ ने जिन्हां दी रहनुमाई ते काम चल रहा, जिन्हां दी सरप्रस्ती हेठे काम चल रहा, उन्हां ते कोई कार्रवाई होगी। आफ्टर ऑल ब्राड सीड ने वह सीड घरे तो बना नहीं दिता, उन्हूं वह सीड किसी मैनुफैक्चरर ने दिता और उस मैनुफैक्चरर ते कार्रवाई होगी। अज कितनी तरीक हो गई, 23 तरीक, 23। अज दो हफ्ते लगभग बीत गए है, जेड़ा मैनुफैक्चरर दे उत्थे बिल फड़े गए, उस मैनुफैक्चरर का नाम है करनाल सीड्स, करनाल एग्री सीड्स। उस ते मैनू आस सी परचा होगा मगर परचा कोई नहीं होया। ते सुभाविक है कि दो हफ्ते बीतन तो बाद जीने ए सीड सप्लाई की थी, जिन्हां ने अगे किसान भरा साडे खुदकुशी दे शिकार, अगे एडे वड्डे पैमाने ते खुदकुशियां चल रही, क्योंकि किसान भरा आपकी आमदन च वाधा नहीं कर सक रहे मगर हमेशा चिंतित रहेंगे कि आमदन वधे। उन्होंने भी फ्रॉड करने वास्ते मंत्रियों ने कंपनियों का साथ देना ठीक समझिया, उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करनी ठीक नहीं समझी। आ मैं ये लोगो है जी उन्हों का, एक करनाल सीड्स है, हले खड़ जाओ, थोनू मैं बड़ा कुछ विखाऊंगा, तुम काले ना पो। तुसी समझते होने करनाल सीड्स का हो गया हरियाणे नाल संबंधित, मेरा भी ध्यान उत्थे गया, मगर हैरानगी हुई कि यह करनाल सीड्स चलती कित्थे है, थोनू अंदाजा है किसी नूं? करनाल भाजी, करनाल हरियाणे च है ना, करनाल जिन्हां जिन्हां का इजराइल नाल टाइया पै एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी च, जिन्हां ने फ्रॉड खेडना सी उन्होंने भी अंदाजा ला लिया कि जे नौ छोटा मोटा रखांगे तो फ्रॉड बनना नहीं, नौ रखिया करनाल सीड तो फैक्ट्री चलती कित्थे है, डेरा बाबा नानक हल्के च, ते चलती किहड़े पिंड च है, वैरोके पिंड च, वैरोके पिंड की दूरी किन्नी, धारोवाली पिंड तो जिथों रंधावा साहब आउंदे सुखी रंधावा जी कुछ किलोमीटर की दूरी ते, और मैं ये फैक्ट्री असी था सोचा कि करनाल लभदे फिरी गए फैक्ट्रिया सारे, तो लभदे लभाउंदे असी आ साडे कोल किसान भराई आ गया। ओ बैग विखा माड़ा जा, आ मैं थोनू बैग विखाउना हुण, साडे कोल भराई आ गया, आ बैग आ लो, लगदा बैग च कोई नुक्स, ऐ लगदा जिवें इहचों दा झाड़ निकलू असल झोने दा इहदे चों, मगर निकलिया तो बिचों डुप्लीकेट सुखी। यह 10 किलो वाला भाजी, अच्छा अगे आ वेखो जिहड़ी चीज इहदे च बड़ी वधिया पढ़न वाली है, पीआर आ लिखिया इहदे च, लिखिया ठप्पा वज्जिया पीआर 129 जिहड़ा सीड, हाँ जे आप थले भी लिखिया छपया आया, इत्थे भी उत्थे बिल्ला लग्या, इत्थे आप छापया, जेड़ा सीड अप्रूव्ड ही नहीं, यूनिवर्सिटी ने अप्रूव नहीं किया, मगर पंजाब सरकार दे कॉर्पोरेशन दे मिनिस्टर उन्हें पता नहीं केड़ा अप्रूवल
वैरोके जाके इस फैक्टरी नूं दिता कि हजारा क्विंटल अनअप्रूव्ड सीड किसानी नाल धोखा करते हुए अज जिन्ने किसान खुदकुशी के केस होने ये गल पैने आ रंधावा दे करनाल सीड मैनू ये दस दौ ये वैरोके तो करनाल वैरोके तो समझ गए ना आ बड़ा आ पिंड का मैं थोनू एग्जैक्ट ही दस दिना ए पिंड वैरोके तो सीगा खोटा की ओर नाम खोदे बेट जिथे फैक्टरी लगी ओ मैं थोनू फोटो विखा आ फोटो विखाई अठ एकड़ च फैक्टरी बनी ये बनी कदों 2017 च पता भी नहीं कागजा च आ बैगा के हिसाब न फैक्टरी है एडा वधिया बैग बने सारे पंजाब च बिके करनाल के नौ ते बिके क्योंकि करनाल का इजराइल नाल टाइअप है डिवेलपमेंट का धोखे का तरीका वेखो सारे काम नूं एडा वधिया कवर अप उत्ते लिखिया होवे 128 ते 129 नंबर सीड आ मैं फैक्ट्रिया दी फोटो उत्थे तां ऐ लगदा जिवें अबोटाबाद चो बिन लादन लभिया सी ना उत्तरा दा ही कॉम्पलैक्स इत्थे बनिया मतलब कोई नेड़े जाके मैं जिहड़े बंदे नूं फोटो खिंचण भेजा कहिंदा भाजी मरवाउणा उत्थे भेज के बाहर एक बोर्ड नहीं आ मैं गेट दी फोटो दे रहा करनाल सीड लिखिया ही कित्थे नहीं जिथे एडे वधिया बैग छपाए है ते बाहर भी लिख दिओ जे तुहाडा काम एडा जेन्युइन तुसीं किसे वड्डी कंपनी दे बाहर जाके वेखो जिहड़ा अंदरों चंगा उन्हें बाहर भी लिखा होंदा वड्डा वड्डा जे कोई टाटा दी कंपनी है जां ट्राइडेंट है जां सोनालिका है उन्हां नूं मान है आपदे काम ते मगर जे होवे फराड ते फिर इह जिहा काम आ फैक्टरी है आ चार दवारी वेखो 8 किले च चार दवारी होई है चार दवारी च मैनूं लगदा करोड़ां रुपया लग गया हुण इह बंदा है कौन ए भाई साहब है किहड़े हाँ ये भाई साहब ये मैं बाद च दसदा याद कर ये भाई साहब है किहड़े एक कुल्फियां बेचदे सी कुल्फियां कुल्फी बेचदे सी किथे रंधावा साहब का जिहड़ा भार वधिया मैनूं लगदा वह कुल्फी का ही असर जापदा मैनूं उहदे च इह जदों रंधावा साहब जदों वेहले सन 10 साल पिछले जदों जांदे सी ना अपने शहर ते भाऊ इहदा नां है लक्खी ढिल्लों लक्खी लखविंदर सिंह लक्खी ढिल्लों एक किते उहनूं कुल्फी खवा दिंदा सी ते रंधावा साहब कहिंदे ते यार तेरी कुल्फी बड़ी स्वाद है कोई कम मोटा कर वड्डा ते उहने भी कहा हुण वजीर बन गया रंधावा साहब ते मोटा कम उहने कर सकदे अगे पिछे तां होणा नहीं आ फोटो आ जिहड़ा विचकार बंदा है आ लक्खी ढिल्लों आ पिछे रंधावा जी ते आ किसानी दे मसीहा हमदर्दी अखौती पंजाब कांग्रेस के प्रधान जाखड़ साहब इन्हां दे घरे कुल्फियां ही खा के आए है क्योंकि वह तो पुराना काम है जद्दी पुश्ती काम है सीड वाला तो लोगों को धोखे च उल्लू बनाउण दा काम है किसानां नाल मजाक करन दा काम है आ और थले वेखो बड़े ध्यान नाल एक बोर्ड लग्या पूसा 1509 वरायटी पर बड़े ध्यान नाल वेखो तुहानूं चीज़ां बड़ियां लभणियां मेरे पोस्टरां च आ लक्खी ढिल्लों साहब गड्डी चला रहे रंधावा जी की नेड़ता प्यार वेखो परिवार च एक मिक वेखो सूई नहीं लगती इन्हां दे विचों तदे मैं भी कहां कुल्फी बनाउण वाला सीधे बीह बनाउण लग पिया जिहड़ा यूनिवर्सिटी तो नहीं बनिया इजराइल कोलों नहीं बनिया ओ भाई साहब इन्हां ने बनाता ते फैक्टरी भी तुहानूं दस ही दित्ती नौ रखिया कि थोड़े मेरे वर्गे लभदे फिरन करनाल आले उहदा छात्र दिमाग मैं अगला दसदा जदों प्रैस कॉन्फ्रेंस भी करदे आ ते कुल्फी भाई साहब नूं नाल ही बिठा के रखदे क्योंकि लक्की आ लक्की कबूतर हुंदा ना इहदा भी लक्की कबूतर इही आ रंधावे दा आ नाल बिठाया हर कम ते रोटी खाणी तां लक्की कबूतर प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी तां लक्की कबूतर जे जाखड़ ने MP लड़नी है रोटी खवानी तां लक्की कबूतर दे किते होर खवाउणी नहीं आ अगली फोटो इत्थे मैनूं लगदा सिंगला साहब गए सी 550 साला ते जदों गए सी ते लक्खी कबूतर दे घरे खाणा खाधा सीगा इह नाल ही सी आ रंधावा जी नाल ते मगर ओह जिहड़ा बंदा खड़िया उहदी फोटो मैं तुहानूं पहलां विखाई सी जिहड़ा इक नारायण चौड़ा करके उहदा भरा है
नारायण चौड़े की हिस्टरी मैं पहला दसी आप लभ लियो नहीं तो जो लोड़ पो तो वह भी दूंगा। हुण अगली गल वेखो आ बैग विखाई माड़ा जी बैग जी तुसी जे 100 फ्रॉड कढ़ देने हुण मैं आ बैग है ना जी अगे वेखो इत्थे लिखिया साडा सब ऑफिस ब्रांच ऑफिस प्लॉट नंबर 29 कछवा रोड करनाल हरियाणा आ सब ऑफिस वड्डे ऑफिस जी ते बाहर तां तुसी लाउंदे नहीं कोई बिल्ला बोर्ड ते सब ऑफिस दा बड़ा इत्थे ध्यान नाल लिखिया कि जिहनूं बेचारे किसान भरा नूं उहने जाणा करनाल वेखणे उन्हें कदे जाके पता भी करना जिनी गल असी तहकीकात कर देनी। और मैं गल कर रहा कि दो हफ्ते बीत गए दो हफ्ते अज तक करनाल सीट आले ते परचा क्यों नहीं हो रहा परचा इसलिए नहीं हो रहा कि ये लखी जी वजीर साहब के इन्ने नेड़े वजीर साहब ने होन नहीं देना भावें किसान मर जान पंजाब की किसानी उजड़ जाए मगर लखी कबूतर नूं कोई कुछ ना कह सके। और ये देखो जिवें एक एक्साइज की फैक्टरी चलती है ना एक्साइज इंस्पैक्टर बैंदा हर बी जेड़ा कोई नवा बी निकले क्योंकि 128 129 अज ही फोन करो वीसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नूं लुधियाने उन्हां नूं पुछियो कि तुसी 128 129 पीआर बी वरायटी कोई अप्रूव की है जवाब आऊगा नहीं च मगर इन्हों का एडा पक्का काम सी हर बैग के नाल टैग ला के ए बी बेच रहे सी पंजाब दे किसानां नाल वड्डा धोखा कर रहे सी। और इहदे च अगली गल जिहड़ा जिवें मैं कहा हर शराब की फैक्टरी च जे गड़बड़ होनी है ना तो थानू किसे दी लोड़ नहीं एक्साइज इंस्पैक्टर थोड़े नाल चाहिदा बाकी सब ठीक है। इत्थे भी एक सीड इंस्पैक्टर हुंदा जिन्हें सर्टिफाई करना है सीड इंस्पैक्टर कितों का थोड़े चो कोई गैस कर सकता सीड इंस्पैक्टर कितों है मंत्री साहब दे पिंड दा प्रिंट दा पिंड धारोवाली वह लखी ते हुण काम भी है जा करना सी ए प्रिंस मुंडे दा नाम प्रिंस क्यों सुभाविक है जिन्हें आमदन बना के देनी है ते बंदा लखी भी चाहिए ते नाल प्रिंस भी चाहिए फिर ही किंग बचू सुखी रंधावा नहीं तो किंग का की काम रह जाना आदा नाम दसी मैं माड़ा जहा लिख ओदा नाम है जी और अच्छा फैक्टरी लगती है 17 च करोड़ा रुपये का काम कर गई है करोड़ा का मैं अंडर एस्टीमेट कर रहा हाले भी क्योंकि जांच ये प्रॉपर होगी फिर सच्चाई सामने आनी है। और ये भर्ती कदों होया प्रिंस आने 17 च फैक्टरी लगी 18 च प्रिंस जी भर्ती हो गए भर्ती होके ओदी ड्यूटी किसे होर नहीं जिथों ये लक्की कबूतर का काम चलना सी उत्थे फिट करता उन्हूं वो इंस्पैक्टर वो सीड इंस्पैक्टर लाता उत्थे और उहदा नाम है प्रिंस जोबनप्रीत सिंह ठीक हाँ प्रिंस जोबनप्रीत सिंह। हुण अगली गल मेरी जिहड़ी मैं बेनती करदा तुहानूं शायद ये पता होना कि कोई भी जेड़ा नवा बी तैयार हुंदा है पहला वो ब्रीडर हुंदा ब्रीडर तो बाद फाउंडेशन बनती है फाउंडेशन तो बाद सर्टिफाई हुंदा है और ये प्रोसैस साल साल ये काम चलता है और हर बी नू ट्रैक किया जाता है कि जे मैं 10 किलो बी फलाने नू देता कित्थे गया की बनिया की नहीं क्योंकि फिर ही तुसी बी दे आउटपुट नू ट्रैक कर सकते हो इसलिए एक एक चीज वेरीफाइड सर्टिफाइड सारे सिस्टम नू तहस नहस करता सिर्फ इसलिए कि करोड़ा दा गोलमाल करोड़ा दा नजायज कारोबार किसानी नाल भावें किसान खुदकुशी कर जान मगर कांग्रेस दे नेड़लिया दी कांग्रेस दी वजीरा दी जेब गर्म हो सके। और ये जिहड़ी गल हाँ वड्डी गल आ मैं थानू हुण वीडियो विखाउण लग्गिया वेखो हर मौके ते बंदे दी मदद हो रही है ए, वैसे तो यह कीमत 200 रुपये 70 रुपये को होंगी है बट इन्होंने 200 250 से बेच रहे सी मगर वड्डी गल वेखो कीमत ते ना जाओ अप्रूव्ड ही नहीं चीज जिहड़ी वरायटी है नहीं ओदे ते भी ब्लैक ते बेची गए कि वरायटी बड़ी तगड़ी आ रही है पहला लै लो जिवें हुंदा ना कि अजकल आ 10 दिन
आईफोन सस्ता मिलना पहला ले लो तो सारे लाइन चो ही पता लगता कि अंदर तो फोन ही कोई नहीं वह जहा हाल आ हूँ चीफ एग्रीकल्चर अफसर ने लुधियाने तो बेनीपाल जी बेनीपाल जी हुण देखो की कह रहा यह भी सरकार का बंदा यह कह रहा जी साढ़े सत सौ क्विंटल पी आर 139 लभी है और परचा दर्ज हुंदा 100 क्विंटल का और मैं परचा नाल ही दे रहा परचे च भी उहदी मदद ते हुण वेखो सब तो वड्डा जिहड़ा कवर अप एक्सरसाइज शुरू हो गई है लखी की इस हद तक कारपोरेशन महकमा ते सरकार थ्रू सुखी रंधावा मदद कर रही है कि उहदे जाके बिल बदलाने शुरू करते हैं कि लै इहदे च तां लिखना सीगा वरायटी 1509 1121 लिखनी सी 201 लिखना सी ते लिखिया गया 128 ते 129 ते हुण वह बिल सही करते फिरते और 11-12 दिन जिहड़ी दुकान तो तुसी सीड फड़िया जिहड़ा अपरूवड ही नहीं सी इन्हां दा फर्ज बनता सी रातों रात जाके जिथों सीड आया सी उत्थे रेड कर दे मगर उन्हूं इन्ने दिन देते कि तू सारे बिल आपदे सही कर लै सारा काम खुरत बुरत जिहड़ा सैट कर लै आपदा मसला कि तेरे ते जद रेड होगी तू कहोगा लै मेरे तो एवें बदनाम करता मैं तो कीता ही कख नहीं 12-15 दिनों च कोई सबूत हुण इन्हां नूं लभणा जे लभणगे मगर इन्हां नूं रोक कौन रहा जदों सारा मैटर चंडीगढ़ के ध्यान तक होवे फिर भी इहदे ते कोई कार्रवाई नहीं बन रही इस तों पता लगता कि ताकतवर वजीर पंजाब दे कांग्रेस दे प्रधान मैं तां हले 2-3 वजीरां दी फोटो विखाई है जे लखी का आईफोन ध्यान नाल फरोलो तो मैं लगता अद्धी कैबिनेट नाल फोटो निकल आउणगे और मेहरबानी आ सुखी रंधावा दी और किसी दी इसलिए मैं जिहड़ी अज ये मंग थोड़े को लह के आया कि जे मौजूदा सरकार पंजाब दी किसानां नाल वाकई हमदर्दी रखदा विदाउट एनी डिले ये इमीजिएटली ये जिहड़ी इनवेस्टिगेशन है ये किसी थर्ड पार्टी नूं दित्ती जावे जिन्हों पंजाब सरकार अधीन अफसर ना हो या तो सेंट्रल एजेंसी जे तुसी सेंट्रल एजेंसी ते भरोसा नहीं करना फिर तुसी गल मुड़ कुड़ के फिर उत्थे आउणी है कम इन्होंने दोवें नहीं मनने जां कोर्ट की किसी जज साहब तो करा लियो इन्होंने कह देना इस तो बाद तुसी जो रंधावा की बाइट लैनी है कहना हाँ कराओ कराओ कराउणी कख नहीं जिवें पहले वाली किहड़ियां कराती इन्होंने पता देनी तो मुख्यमंत्री ने उन्हें तो कित्थे कर देनी है उन्हूं तो अगे अखां कढ़दे फिरदे आ इसलिए इन्हां हालातां च मैं तो सारी किसान जथेबंदियां नूं भी कहूँगा सब नूं कहूँगा सारे किसान वीरां नूं भी कहूँगा कि जिन्हां नाल एक करनाल एग्री सीड्स वालियां दे झूठे लोगो ला के जिन्हां नाल फ्रॉड होया वो सारे सामने आउण सारे जाके हिम्मत नाल कोई डरे ना श्रोमणी अकाली दल उन्हां दे नाल खलोता तुसीं चढ़ के शिकायतां दर्ज कराओ मगर यह ना होवे कि बी हो जा तुसी भी अज वह जा झोना लग जाए जिहड़ा कल सरकार चुके ही ना तो फिर इस तो वड्डे किसानी नूं संकट किहड़ा पैदा हो सकता ये चीज़ां थोड़े सामने रखनियां सी जे चीमा साहब कोई गल ऐड करना चाहते जो इदां दसदा मैं तो गेड़ा ही मारिया तदे हुण तुसी मारो मेरे गेड़े तो वादियां दीआं फोटो आईआं
ਆ ਮੈਂ ਬੜੀ ਫਿਰ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟਿੰਗਰ ਆ ਨਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ ਹਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਾਪ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਊਂਗਾ ਹਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਛਾਪੋਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹਲੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਹੋਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰੋ ਨਿਗਾਹ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੀ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਲੈ ਬੈਠਾ ਨਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਯਾਰ ਆ ਬੈਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਕਰਨਾਲ ਕੀ ਆਫਿਸ ਕਰਨਾ ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਾ ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਰਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾਲ ਦਾ ਟਾਈ ਅਪ ਹੈ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਡ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਲਾਉਣਾ ਆਪਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੁਣ ਉਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਇਸ਼ਾਰਾ ਪਿਆਰਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਕੀ ਕਹੂੰ ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਰੱਜ ਕੇ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਦਬ ਕੇ ਧੋਖਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਮਗਰ ਕੁਲਫੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਦਾ ਲੱਕੀ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਸੀਡ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੈਗ 'ਚ 128-129 ਪੈ ਵੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ 128-129 ਹਲੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਲੇ ਉਹ ਬਰੀਡਰ ਸੀਡ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਬਰੀਡਰ ਸੱਚੀ 'ਚ ਹੈ 128-129 ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਮਗਰ ਜੇ ਸੀਡ ਉਹ ਵਾਕਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਅੱਡ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਆ ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਮਗਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਫਰਾਡ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਰਾਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਧਾਂਦਲੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੀਜਾ ਫਰਾਡ ਇਹ ਤਿੰਨ ਫਰਾਡ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ FIR ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਸਜ ਕਰਨਾਲ ਐਗਰੀ ਸੀਡਸ ਪਿੰਡ ਵੈਰੋ ਕੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪਾਸ ਇਹ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਮੈਸਜ ਬਰਾੜ ਸੀਡ ਸਟੋਰ ਸਾਹਮਣੇ PAU ਗੇਟ ਨੰਬਰ 1 ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਝੋਨਾ ਕਿਸਮ PR 129 ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਲੇ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੇਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ FIR ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮਗਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਠੱਪ 11-5 ਨੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਰੌਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਰ ਜਦ ਤੱਕ ਸੁੱਖੀ ਰੰਧਾਵੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਿਕਸਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆ ਚੰਦੂਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣ ਲਓ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਰਾਡ ਹੋਈ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਧੋਖਾ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਾਈਟੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਅਪਰੂਵਡ ਵੀ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੇਂਦਰ ਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਝੋਨੇ ਦਾ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 40 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਬੀਜ ਮਿਲਦਾ ਸੀ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਅੱਜ 3 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ 120 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬੀਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਕਿਲੋ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3 ਗੁਣਾ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਆ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ 'ਚ ਲੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ 40 ਕਿਲੋ ਬੀਜ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਏਕੜ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰੋਡ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਏਕੜ ਪਿੱਛੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ 3 ਘੰਟੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਆ ਜੇ ਦਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਹੋ ਸਕੂਗੀ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋਊਗੀ, ਕਿਸਾਨ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਵੀ ਆ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਿਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੇਬਰ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਰੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ 35,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੋਇੰਗ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅੱਜ 85,000 ਤੋਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, 70,000 ਰੁਪਇਆ ਰੇਟ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾ ਦਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਨੇ ਬੀਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੁਲਫੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਕੁਲਫੀ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲੀ ਡੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕੁਲਫੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਕੁਲਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪਾਣੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮਲਾਈ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਕੁਲਫੀ ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੀ ਆ ਮਲਾਈ ਵੀ ਖਵਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ 17 'ਚ ਫੈਕਟਰੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਰ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਆ ਕਿ ਲੇਬਰ ਦੇ ਰੇਟ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਲੋਟੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗਲਤ ਵੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਸਿਰਾ ਸ਼ਰੇ ਆਮ 420 ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ 128-29 ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੂ। ਨੋ ਫੈਕਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੇਚਦਾ ਹੋਣਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ FIR ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ FIR 'ਚੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਿਰਫ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਾਣੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ। 128-29 ਅਪਰੂਵਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਬਰੀਡਰ ਹੈ, ਬਰੀਡਰ ਤੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਵਿਕਣੀ ਸੀ। ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕੋ ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੇਚ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲੇ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰੋਡ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ 128 ਦਾ ਬਿੱਲਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਂ 129 ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਧਾਰਨ ਬੰਦਾ ਕਰੂ, ਹੁਣ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਧੜ ਕੰਮ ਚੱਕਦਾ। ਹਰੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮਾਝੇ 'ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਗਏ, ਦੁਆਬਾ ਮਾਲਵਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਤਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਹੀ ਠੱਪ ਕਰਤਾ, ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਰੌਲਾ ਇਕੱਲਾ ਬਰਾੜ ਸੀਡਸ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾਲ ਸੀਡਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਪਰੂਵਡ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਲਫੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ, ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਖਾਊਂ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਖੀ ਇਹਨੂੰ ਸਿਆਣੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਿਆਣੂ, ਹੁਣ ਅਣਜਾਣ ਬਣ ਜਾਣ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਓ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਆਖਾਂ ਕਿੱਲਾ ਵੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜਿਆ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
और जिहदे नाल फ्रॉड होया जद असी सज्जे खब्बे फोन मिलाया कहिंदे भाई मैनू कहिंदा भाऊ मारिया तां मैं भी गया लगदा ठगिया मैं भी गया वह है कांग्रसी उहदा मन मन दीआं गालां कढ़दा सी इहनू कहिंदा इह तां सानू आखी गया कि लक्खी बंदा ही बहुत चंगा है पता नहीं निकलू की है इस बीच देखो पहला तो परचा दो ए लखी लखी आ जेड़ा करनाल सीट आला फिर परचा दो ए फ्रॉड जेड़ा करता जेड़ा इनू बचाउंदा ओदे ते वजीर ते तीजा जेड़ा इंस्पैक्टर उन तां डिसमिस करो हुण मेरे घंटे बाद ही डिसमिस कर दो इहजा जेड़ा किसानी दी जिंदगी नाल खेडण डिया उस तो बाद सारे फार्मर वाल आप जाके जिन्हां ने करनाल सीट दा बी लिया जाके एफ आई आर दर्ज कराउण जिथे जिथे भी गया उन्हां नाल सरकार संपर्क करे और उन्हां नूं कंपनसेट करे फिर ही गल चलू तां उह तां मारिया गया बेचारे उन्हें तां ब्लैक च जिवें चंदू महाराज साहब ने गल कीती जिहड़ा भी 40 रुपए ਜਾਂ 70 ਰੁਪਏ ਵਿਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਬਲੈਕ ਚ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਸ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਚ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਅਨਅਪਰੂਵਡ ਸੀਡੀ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜੇ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਈ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਪਾਉ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਮਗਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਕਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੱਥ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿੱਗ ਡੁੱਗ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮਤਲਬ ਪਿਆਰ ਦੇ ਹੱਦ ਵੇਖੋ